जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 212 और 213 सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे दिया है, दूसरी पद्धति द्वारा वर्गमूल निर्णय करो। आज मेरा अखंड संख्या को इकाई के घर में अंक के साथ उसका वर्ग संख्या को इकाई के घर के अंक में मिलाकर खोजेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए जीरो दिया है, तो इकाई का अंक अगर जीरो है तो ऐसे ही तीन संख्याएं और ली गई हैं, 10, 20 और 30। अब इनका वर्ग संख्या क्या होगा? तो 10 का वर्ग 100, 20 का 400, यहाँ पे 400 होना चाहिए, 420 लिख दिया गलती से, ठीक है, 400, 20 का और 30 का 900। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर इकाई की संख्या यहाँ पे जीरो है तो यहाँ भी इकाई की संख्या क्या है, जीरो ही आ रही है, तो यहाँ जीरो भरेंगे। उसी तरह यहाँ देखिए इकाई का अंक 2 है, 12, 22, 42, तीन अंक ले लिया गया है। अब 12 का 144 है, 22 का 484 और 42 का 1764। अब इसमें भी हम देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख लेंगे। फिर देखते हैं इकाई का अंक 3, जैसे 13, 23 और 53, तो इनका वर्ग हमने ज्ञात किया, तो 13 का 169, 23 का 529 हो जाएगा, ठीक है, 529 और 53 का 2809। इनमें भी हम देखते हैं इकाई का अंक क्या है, 9 है, तो हम लोग यहाँ पे 9 लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए 4 इकाई का अंक है, 14 का 196, 24 का 576 और 44 का 1936। इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो अपने यहाँ पे 6 भरेंगे। फिर यहाँ देखिए लिखा है इकाई का अंक इसमें 5 है, 15, 25 और 35, तो 15 का 225, 25 का 625 और 35 का 1225 या 1225, और इकाई का अंक क्या है, तो 5 है। इसी तरह इकाई का अंक 6, तो 16, 26 और 66, तो 16 का 256, 26 का 676 और 66 का 4356। फिर आगे देखिए लिखा है वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 भर देंगे हम लोग। फिर आगे यहाँ लिखा है 17, 27 और 57, इकाई का अंक क्या है, 7, और वर्ग किया तो 17 का 289, 27 का 729 और 57 का 3249। इन सब में इकाई का अंक 9 है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। आगे इकाई 8 है और संख्याएं ली गई हैं 18, 28, 78। अब इनका वर्ग किया गया तो 18 का 334, 28 का 784 और 78 का 6084। तो इन सब में इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 4 भरेंगे। हमने यहाँ पे 4 भर लिया, ठीक है। आगे देखिए दिया है 9 इकाई का अंक है, 19, 29 और 39 लिया गया है, तो 19 का 361, 29 का 841 और 39 का 1521। अब इसमें सब में इकाई क्या है, यहाँ पे 1, 1 और 1 है, तो यहाँ पे 1 भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर हमने यहाँ पे जो देखा उसको यहाँ पे स्पष्ट किया है। अब यहाँ देखिए लिखा है, देखता हूँ जो सभी पूर्ण वर्ग संख्या इकाई के घर के अंक शून्य होंगे, उनके वर्गमूल में इकाई के घर का अंक भी शून्य ही होगा।
फिर जो सभी पूर्ण वर्ग संख्या इकाई के अंक घर के अंक एक होंगे, वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा, एक या नौ हो सकता है, जैसा कि हमने ऊपर करके देखा है अभी। उसी तरह जो सभी पूर्ण वर्ग संख्या इकाई का घर का अंक अगर चार हो तो उसके वर्गमूल में अंक की संख्या दो या आठ होगी इकाई का अंक। अगर कोई वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका इकाई का अंक पाँच है तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इकाई का अंक पाँच ही आएगा। उसी तरह अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका इकाई का अंक छः है तो उसका वर्गमूल ज्ञात करने पे या तो चार या तो छः इकाई का अंक आएगा। फिर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है इकाई का अंक नौ है तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो तीन भी हो सकता है और सात भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो सभी पूर्ण वर्ग संख्या इकाई के अंक दो तीन सात और आठ होंगे वह कभी भी पूर्ण वर्ग, यहाँ पे देखिए गलती दे दिया है, नहीं होंगे, ठीक है। क्या होगा, नहीं होगा। अगर इकाई का अंक दो है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तीन है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, सात है तो भी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा और आठ है तो भी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अगला पेज में देखिए यहाँ पे दिया है मूल अखंड संख्या के इकाई के घर के अंक और पूर्ण वर्ग संख्या का की इकाई के घर के अंक और मूल अखंड संख्या की इकाई के घर के अंक। तो यहाँ पे देखिए अगर पाँच है तो उसका वर्ग करेंगे तो भी पाँच आएगा और वर्गमूल करेंगे तो भी पाँच ही आएगा। उसी तरह जैसा कि हमने देखा है कि अगर छः है तो उसका वर्गमूल करेंगे तो चार आ सकता है या छः भी आ सकता है, ठीक है। अगर नौ है तो उसका अगर वर्गमूल करते हैं तो तीन आएगा इकाई का अंक या फिर सात आएगा। फिर उसी तरह अगर चार है इकाई का अंक और उसका वर्गमूल करते हैं तो वो दो भी हो सकता है और आठ भी हो सकता है। फिर अगर कोई संख्या का इकाई का अंक एक है उसका वर्गमूल करेंगे तो एक आएगा या नौ आएगा। फिर शून्य अगर है तो शून्य का वर्गमूल करेंगे तो उसका इकाई का अंक शून्य ही होगा। आगे हम देखते हैं, लिखा है इस बार एक कोई भी अंक के संख्या वर्ग करने पर कितने अंक का संख्या मिला ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो हम कर लेते हैं लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से एक हम रफ में बता दे रहे हैं। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है वो अगर एक अंक की है, मान लीजिए एक है या चार है या नौ है, एक अंक की है या फिर दो अंक की, जैसे सोलह चौंसठ पच्चीस। अगर तीन अंक की है जैसे सौ एक सौ चौवालीस। अगर चार अंक की है ऐसे। अब इसको कैसे पता करेंगे कि ये कितने अंक की, इसमें इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो संख्या आएगी। तो हम लोग इसका ऊपर जोड़ा बनाएंगे तो ये एक ही बना, पड़ी रेखा एक है, यहाँ देखिए एक है, यहाँ भी देखिए एक है, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसकी संख्या क्या आएगी, एक अंकों की संख्या। इसका भी अगर जोड़ा बनाएंगे तो एक ही आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है। तो जैसे ये चार का वर्ग है, ये आठ आठ चौंसठ, ये आठ का है, ये पचास पच्चीस, ये पाँच का है, तो ये सब एक अंक का है, एक पड़ी रेखा है। अब इसका जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ देखिए एक यहाँ बना और एक ये बना, दो। तो इसका जो वर्गमूल होगा उसमें अंक की संख्या दो होगी, ठीक है। इसमें देखिए एक और एक दो, ऐसे भी ये दस का है और ये बारह का है, तो इसमें दो अंक आ रहा है, इसमें भी दो अंक आ रहा है।
ये तो वर्ग घनमूल है, लेकिन ऐसे अगर चार अंक का कोई संख्या हो तो वो उसका जोड़ा बनाएंगे तो दो ही अंक का आएगा। ठीक है, आगे यहाँ देख लीजिए, दिया भी है, कर लेते हैं, करके दिखा देते हैं। इसमें अंकों की संख्या कितनी है? चार। छियासठ है, छियासठ का वर्ग किए तो चार अंकों की संख्या आया। ठीक है, लेकिन और इसका जोड़ा बनाएंगे ऐसे करके तो दो बन रहा है, तो इसके अंक कितने हैं देखिए, दो छियासठ। इसका भी जोड़ा बनाएंगे तो दो बनेगा, तो दो अंक है और कितनी संख्याएं हैं, चार। इसका देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच अंक है। इसमें एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, 612 को 612 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे आया है 374,544। इसका जोड़ा बनाने पे तीन बन रहा है, तो यहाँ तीन अंक है और टोटल छः अंक इसमें है। वर्गमूल करने पे तीन अंक आएगा, वर्ग करने पे छः अंक हो जाएगा। वर्गमूल करने पे तीन अंक और वर्ग करने पे पाँच अंक। ठीक है, इसी तरह आगे देखिए दिया है, 1000 का वर्ग करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख आएगा। और कितने अंक हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात अंक है। ठीक है, इसी तरह इन दोनों का गुणा किए हैं, 5204 5204 मतलब 5204 का वर्ग करने पे आएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ अंक की संख्या आएगी। ठीक है, 2,70,81,616 और यह आठ अंक की है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ भरना है तो ये वाला भरेंगे, यहाँ पे भरना है तो ये भरेंगे। और 499 और 499 का आप स्वयं गुणा कर लीजिए, गुणा करने पे जो आएगा वो यहाँ पे भर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, किसी संख्या का वर्ग अंक संख्या मूल संख्या की अंक संख्या का दो गुना या उससे एक कम है, जैसे 25 की अंक संख्या दो लेकिन 25 के वर्ग की संख्या दो गुणे दो चार माइनस एक तो तीन। तो 25 का वर्ग संख्या में जो अंक है वो तीन होंगे और वर्गमूल मतलब जो है मूल संख्या है वो 25 है तो दो अंक का है। तो इस तरह से समझ गए हैं कि अगर जो अंक है उसको अगर जोड़ा बनाएंगे तो जितने जोड़ा बनेंगे, जितना पड़ी रेखाएं पड़ेंगी उतने ही वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। और वर्गमूल में जितने अंक होंगे उसके दो गुणा से एक कम या दो गुणा संख्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। आखिरी लाइन है, इसलिए जिस किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अंक देखकर उसका वर्गमूल अंक क्या संख्या क्या होगा बता सकते हैं, तो हम लोग देखकर ही बता सकते हैं कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, अगले वीडियो में अगला पेज देखेंगे। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इसे वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।